हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसे 2015 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है द लॉबस्टर। इस मूवी में हम एक ऐसे सोसाइटी को देखेंगे जहां कोई सिंगल नहीं रह सकता है। इस सोसाइटी में अगर कोई भी शख्स सिंगल है तो उसे 45 दिन दिए जाएंगे ताकि वो अपना पार्टनर ढूंढ के शादी कर सके। लेकिन अगर वो इन 45 दिन में अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाता है तो उसे एक इंसान से जानवर में बदल दिया जाएगा। ये सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन इस मूवी में हम ऐसे ही एक सोसाइटी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम डेविड है। डेविड अभी सिंगल है क्योंकि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है। जैसा कि इस सोसाइटी का रूल है, सिंगल लोगों को रहना यहाँ अलाउ नहीं है। इसलिए अगले दिन डेविड के पास कुछ लोग आते हैं और उसे एक होटल में ले जाते हैं। जब डेविड उस होटल में पहुँचता है तब वो देखता है वहाँ उसके जैसे बहुत से लोग हैं, यानी इस होटल में बहुत से सिंगल लोग हैं जिनमें से बहुत की शादी नहीं हुई है, जबकि कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका है और कुछ के पार्टनर्स मर चुके हैं, यानी कि वो लोग अब सिंगल हैं। यहाँ पहुँचने के बाद डेविड को 45 डेज दिए जाते हैं ताकि वो अपना पार्टनर ढूंढ सके। लेकिन डेविड यहाँ किसी को भी अपना पार्टनर नहीं बना सकता है क्योंकि पार्टनर बनाने का एक रूल है। डेविड जिसे भी अपना पार्टनर बनाता उसमें डेविड की सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, तभी वो दोनों अच्छे कपल बन सकते हैं। अगर कोई आदमी इन 45 दिनों में अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाता है तब 46वां दिन उन्हें एक रूम में ले जाया जाएगा और इन लोगों को अपने पसंदीदा जानवर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। इस होटल को ओलिविया और उसके हस्बैंड मिलकर चलाते हैं। डेविड जब होटल में बैठा होता है तब ओलिविया उसके पास आती है और वो उससे पूछती है अगर वो इन 45 दिनों में अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाता है तो उसे कौन से जानवर में ट्रांसफॉर्म होना है। तब डेविड उन लोगों से कहता है उसे लॉबस्टर बनना है क्योंकि लॉबस्टर 100 सालों तक जिंदा रहते हैं और डेविड को समुंदर बहुत पसंद है। डेविड के पास एक डॉग भी होता है, लेकिन असल में वो डॉग नहीं है, वो डेविड का भाई है। वो 45 दिनों तक अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाया था जिस वजह से उसे डॉग बना दिया गया। डेविड के डैड और मॉम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। डेविड के डैड उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे और उसकी मॉम सिंगल रह गई थी, जिस वजह से डेविड की मॉम को एक उल्फ में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और डेविड की मॉम अब जू में रहती है। इस होटल में ऐसे बहुत से अजीब रूल्स हैं, जैसे इस होटल में मास्टरबेट करना मना है। इस होटल में एक मेड आकर इनके साथ इंटीमेट होती है, वो भी फोर्सफुली, ताकि इनका लड़कियों के ऊपर अट्रैक्शन बना रहे। इस होटल में ऐसे भी कई लोग होते हैं जो कि यहाँ से भाग गए थे क्योंकि वो लोग जानवर नहीं बनना चाहते थे। वो लोग नजदीक के जंगल में ही छुपे हुए थे और इनके ग्रुप्स को लोनर ग्रुप्स कहा जाता था। इस होटल के सारे कैंडिडेट्स को शिकार के लिए ले जाया जाता था ताकि वो लोनर ग्रुप्स के आदमियों को मार सके। जो कैंडिडेट जितने लोगों को मारता उनके 45 दिनों के टाइम को उतना ही एक्सटेंड कर दिया जाता था, जिससे इन लोगों को और भी समय मिल जाता ताकि वो अपना पार्टनर अच्छे से ढूंढ सके। यहाँ डेविड की फ्रेंडशिप दो लोगों से हो जाती है, इनमें से एक का नाम रॉबर्ट है और दूसरे का नाम जॉन है। एक दिन एसले नाम की कैंडिडेट डेविड से बात कर रही होती है और वो उसे प्रपोज करती है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। एसले यहाँ डेविड से कहती है अगर उसे कोई भी पार्टनर नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी क्योंकि एसले जानवर बनना नहीं चाहती है। लेकिन एसले की बातों का डेविड पर कोई असर नहीं होता है। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चुके हैं और अभी तक डेविड, रॉबर्ट और जॉन पार्टनर नहीं ढूंढ पाए हैं। इसलिए जॉन को अब टेंशन होने लगती है क्योंकि उसे जानवर नहीं बनना है। वहीं दूसरी ओर हम लोग एक फीमेल कैंडिडेट को देखते हैं जिसके नाक से हमेशा खून बहता रहता था। जॉन उस लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन होटल के रूल के अनुसार उन दोनों में कुछ न कुछ सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, तभी वो दोनों अच्छे कपल बन सकते हैं। इसलिए जॉन खुद को हर्ट करता है जिससे जॉन के नाक से खून बहने लगता है। जब वो लड़की जॉन को देखती है, जो बीमारी उसे है वही बीमारी जॉन को भी है, तब वो लड़की जॉन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और अब इन लोगों को एक कपल की तरह मान लिया जाता है। इसके बाद से जॉन अपने सर और अपने नाक के पास टोमेटो केचप लगाता था ताकि उसके पार्टनर को ऐसा लगे कि उसके नाक से खून निकल रहा है। वहीं दूसरी ओर हम लोग डेविड को देखते हैं जो अभी तक सिंगल है, इसलिए वो एंजेलिका को प्रपोज करता है, लेकिन एंजेलिका इमोशनलेस होती है और इसलिए डेविड को भी अब ऐसा ही बनना पड़ेगा। अब ये दोनों काफी वक्त साथ जाते हैं। एक दिन एंजेलिका और डेविड साथ में होते हैं, तब एंजेलिका डेविड का टेस्ट लेने के लिए मरने का नाटक करती है, लेकिन ये सब देखकर भी डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। इसके बाद एंजेलिका को ऐसा लगने लगता है कि डेविड भी उसी की तरह है, उसमें भी कोई इमोशन नहीं है, यानी वो एक इमोशनलेस आदमी है। इसके बाद एंजेलिका उसे हाँ कर देती है और अब इन दोनों को भी कपल मान लिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे एंजेलिका को डेविड पर शक होने लगता है, इसलिए वो डेविड के डॉग को मार देती है। इसका मतलब ये हुआ कि एंजेलिका डेविड के भाई को मार देती है। इसके बाद वो डेविड का रिएक्शन देखती है। जब डेविड अपने भाई को मरा हुआ देखता है तब वो रोने लगता है। तब एंजेलिका होटल अथॉरिटी को रिपोर्ट करने जाती है कि डेविड बस नाटक कर रहा था, वो एक फेक आदमी है, उसने झूठ बोलकर शादी की है।
लेकिन अब डेविड भागने लगता है। होटल की एक मेड उसकी मदद करती है। इसके बाद डेविड एंजेलिका को बेहोश कर देता है और वो नर्स और डेविड एंजेलिका को उस कन्वर्शन रूम में लेकर जाते हैं और इसके बाद उसे एक जानवर में बदल देते हैं। इसके बाद डेविड यहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो एक जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे लोनर ग्रुप्स मिल जाते हैं। अब डेविड लोनर ग्रुप्स का हिस्सा है। डेविड उन लोगों से मिलता है। इस ग्रुप की एक लीडर है जिसका नाम लिया है। इस ग्रुप्स के भी कुछ रूल्स हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ प्यार नहीं कर सकते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हैं और ना ही कोई एक दूसरे से फ्लर्ट कर सकता है। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी आदमी पकड़ा गया तो उसे सजा दी जाती है। इस ग्रुप के लीडर को ऐसा लगता है जैसे प्यार वगैरह कोई भी चीज नहीं होती है, ये सब सिर्फ दिखावा होता है। जब भी कोई मुसीबत में पड़ता है तो सबसे पहले अपनी जान बचाता है और उस वक्त लोग अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए अगर कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उसे प्यार और ऐसी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इस ग्रुप के लोग शहर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो पुलिस इन्हें पकड़ लेगी और वापस होटल अथॉरिटी को दे देगी, जहाँ इन लोगों को जानवर में बदल दिया जाएगा। यही डेविड रेचल नाम के एक लड़की से मिलता है। रेचल दूर की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाती है और ये सिमिलरिटी डेविड में भी होती है। वो भी दूर की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग होटल के मेड को देखते हैं जो कि लोनर ग्रुप के लीडर लिया से मिलने के लिए आई है और वो लिया के लिए काम करती है क्योंकि वो मेड भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देगी वो सिंगल हो जाएगी और इसके बाद उसे भी उस होटल का कैंडिडेट बनना पड़ेगा और वो मेड ऐसा कुछ नहीं चाहती है। इसलिए वो अब इस लोनर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है और इसी वजह से वो होटल की इन्फॉर्मेशन लिया को देती है। ये लोग सभी से बचते हुए वीक में एक बार शहर जाते हैं ताकि ये लोग जरूरत का सामान खरीद सके। ये लोग फॉर्मल कपड़ों में जाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ये हस्बैंड वाइफ है। लेकिन अचानक एक पुलिस वाला डेविड के पास आता है और वो उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछता है। वो डेविड का मैरिज सर्टिफिकेट देखना चाहता है। तभी वहाँ पर रेचल आ जाती है और वो उस पुलिस वाले से कहती है वो डेविड की वाइफ है और वो डेविड को बचा लेती है। ये लोग जब वापस आते हैं ये सारे लोग होटल में हमला करने का प्लान बनाते हैं जिसमें होटल की वो मेड इन लोगों की मदद करती है। इसके बाद ये लोग होटल के इंचार्ज के रूम तक पहुंच जाते हैं। वहीं पे ओलिविया के हस्बैंड को गन पॉइंट पर रखा जाता है और उसे ओलिविया को शूट करने के लिए कहा जाता है। ओलिविया का हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया को शूट कर देता है लेकिन उस गन में गोली नहीं होती है। ओलिविया जब ये सब देखती है तब वो अपने हस्बैंड से बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद डेविड जॉन के रूम में जाता है और वो जॉन की वाइफ से ये कहता है जॉन के नाक से कोई भी खून नहीं निकलता है, जॉन बस तुमसे नाटक कर रहा है। लोनर ग्रुप्स किसी को भी मारना नहीं चाहता है, बस ये लोग कपल्स को ये दिखाना चाहते थे कि तुम लोगों का रिलेशन कितना कमजोर और फेक है। अब होटल की मेड भी इस लोनर ग्रुप को ज्वाइन करती है। जंगल में रहते हुए ये लोग काफी समय गुजार चुके हैं। अब धीरे धीरे रेचल और डेविड एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए ये लोग अब यहाँ से भी भागने का प्लान बनाते हैं। रेचल इन सारी बातों को अपने डायरी में लिखा करती है लेकिन वो डायरी किसी तरह लिया के हाथ लग जाती है और उसे इस तरह से डेविड और रेचल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। लिया डायरेक्टली उनसे बात नहीं करती है लेकिन इन लोगों को सजा देना भी जरूरी है। एक दिन डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर वो रेचल को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। वो रेचल से ये कहती है इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाएगी लेकिन वो डॉक्टर की मदद से उसे अंधा कर देती है। अगले दिन रेचल को जब ये बात पता चलती है तब वो बहुत गुस्सा होती है और लिया की जगह गलती से वो उस मेड को मार देती है। इसके बाद वो डेविड से मिलती है और वो डेविड को सब कुछ बताती है। डेविड जब इसकी बातों को सुनता है तब वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने ऐसा सोचा था कि वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे और इसके बाद सोसाइटी में अच्छे से रहेंगे। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन दोनों में एक जैसा अब कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और इसलिए ये लोग भागने का प्लान बनाते हैं। डेविड लिया को मारकर बेहोश कर देता है और उसे बांध कर एक जगह लेटा देता है। इसके बाद वहाँ अचानक जंगली कुत्ते आ जाते हैं और ये कुत्ते लिया को मार डालते हैं। इसके बाद डेविड और रेचल वहाँ से भागकर शहर आ चुके हैं। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। इसके बाद डेविड एक चाकू मंगवाता है और वो अपने आप को अंधा करने की सोचता है ताकि ये दोनों फिर से एक जैसे हो जाएं और इनमें एक जैसी सिमिलरिटीज आ जाए और ये लोग आसानी से शादी कर सके। इसके बाद डेविड बाथरूम जाता है और वो अपनी आंखों को फोड़ने ही वाला होता है। तभी उसका हाथ कांपने लगता है और वो ऐसा करने से डरने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है और हमें यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है कि डेविड ने अपनी आंखों को डिस्ट्रॉय किया या उसने रेचल को छोड़ दिया। इसके बाद हम लोग इस मूवी का लास्ट सीन देखते हैं जहाँ हमें समुंदर के लहरों को देखकर ये पता चलता है कि डेविड अपनी आंखों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था और उसने रेचल को छोड़ दिया और वो अपने 45 दिनों में कोई भी पार्टनर नहीं ढूंढ पाया।
इसके बाद उसे होटल के अथॉरिटी वाले पकड़ लेते हैं और उसे एक लॉबस्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद डेविड को लॉबस्टर बनाकर इस समुंदर में छोड़ दिया जाता है और इसलिए हम लोग मूवी के लास्ट सीन में इस समुंदर को देखते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी